दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करने वाले हैं वह है केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग का गठन वर्ष 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह पर किया गया था। यह जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का प्रमुख तकनीकी संगठन है। इसका मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। इसका विभाग जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति आदि हैं। केंद्रीय जल आयोग के कार्यों पर नजर डालते हैं। इसके कार्यों में जल संसाधन के संदर्भ में राज्यों के साथ परामर्श करना, योजना, नियंत्रण, संरक्षण और जल विद्युत विकास, जल संसाधन उपयोग को आगे बढ़ाना, किसी योजना की जांच, निर्माण और निष्पादन करना शामिल है। इसकी संरचना की बात करें तो इसका अध्यक्ष भारत सरकार का पदेन सचिव होता है। आयोग के कामों को तीन विंग्स में विभाजित किया जाता है, डिजाइन और रिसर्च विंग, रिवर मैनेजमेंट विंग और वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स विंग। प्रत्येक विंग को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के अधीन रखा गया है। अब एक नजर इससे संबंधित अन्य तथ्यों पर। प्रारंभ में यह केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग के नाम से स्थापित किया गया था। डॉक्टर ए एन खोसला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में इस तकनीकी निकाय की स्थापना के लिए प्रयास किया। आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।